नमस्कार दोस्तों, कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ नहीं आती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों। सिंह राशि वालों का 4 जून दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चुनाव सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरू में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज रविवार है, सूर्य भगवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्य भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 4 जून 2023 दिन रविवार, आज की तिथि पूर्णिमा, आज का नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, पक्ष चल रहा शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:23 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:15 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:51 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है शाम 5:23 से शाम 6:18 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर 8 और शुभ रंग है हल्का हरा और लाल। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, उदास और अवसाद ग्रस्त ना हो, आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं आज आपके किसी काम की वजह से वह बहुत झुंझलाहट महसूस करेगा। मुमकिन है कि आपके आंसुओं को पहुंचने के लिए कोई खास दोस्त आगे आएगा। आज घर में अधिकतर समय आप सोकर गुजार सकते हैं। शाम के वक्त आपको महसूस होगा कि आपने अपना कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातों का सही समय है। सेहत के लिहाज से दौड़ लगाना आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यह मुक्ति भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं पेचीदार हालात में फंसने पर घबराएं नहीं। जैसे खाने में थोड़ा सा तीखापन उसे और भी लजीज बना देता है, उसी तरह ऐसी परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती हैं। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। आपको मेरी सलाह है कि शराब सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करता है बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ सकती है। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए आज का दिन अच्छा है। प्रेम के नजरिए से आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। आज खाली वक्त किसी बेकार के काम में खराब हो सकता है। सुबह जीवन साथी से आपको कुछ ऐसा मिल सकता है जिससे आपका सारा दिन खुशगुवार गुजरेगा। सजने संवरने और मालिश जैसे क्रियाकलापों में काफी समय लगा सकते हैं और इसके बाद आप काफी अच्छा भी महसूस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं जैसे आप हालात पर पकड़ बनाने की कोशिश शुरू करेंगे आपकी घबराहट दूर हो जाएगी। जल्दी आप पाएंगे कि यह परेशानी साबुन के उस बुलबुले की तरह है जो छूते ही फूट जाता है। खर्च करते वक्त आप आगे बढ़ने से खुद को रोकें, नहीं तो आप खाली जेब लेकर घर लौटेंगे। दफ्तर के तनाव को घर में ना लाएं, इससे आपके परिवार की खुशियां खत्म हो सकती हैं। अच्छा यही है, परेशानियों का सामना दफ्तर में ही करें और घर परिवार जीवन का आनंद लें। आप अपने प्रिय के रवैये के प्रति काफी संवेदनशील रहेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखें और ऐसा कुछ भी करने से बचें जिसके लिए बाकी जिंदगी आपको पछताना पड़े। योग्य कर्मियों को पदोन्नति या आर्थिक मुनाफा हो सकता है। चीजों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरे से आगे रखेगी। साथ ही साथ आपको बताएं इस राशि वालों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। ठप पड़े बिजनेस को नई दिशा मिल सकती है। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं उन्हें आज किसी रिलेटिव के माध्यम से बड़ा फायदा हो सकता है। आज धार्मिक कार्य करने का आपको मौका भी मिल सकता है जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस राशि वाले लंबे कहीं घूमने जा सकते हैं या घूमने का प्लान बना सकते हैं। आप माँ दुर्गा की पूजा करें, घर में खुशहाली आएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं
आज का दिन आपके लिए मान सम्मान दिलाने वाला दिन रहेगा। कभी कभी आपका पिछले स्वभाव आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर देता है। सावधान रहें, यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो उस बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है कि आपका पार्टनर अपना पैसा कैसे खर्च कर रहा है। अपने जीवन साथी के लिए कुछ प्लान करने में जल्दबाजी ना दिखाएं। आज आपको धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में आ सकता है। व्यापारी बंधु अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नौकरी पैसा लोग ज्यादा मेलजोल ना बढ़ाकर अपने काम से ही मतलब रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथी दोस्तों, आपको बताएं, आज का दिन मन मुताबिक रुचिपूर्ण गतिविधियों में व्यतीत होगा। शांति से फैसले लें, जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। जीवन साथी आपके लिए कोई फायदेमंद की बात करेगा। आपकी प्रेम का आपको कोई महंगा गिफ्ट वेट कर सकती है। आज धन से जुड़े कार्य प्रभावित हो सकते हैं। प्रॉपर्टी अथवा किसी पॉलिसी में निवेश करने के लिए अनुकूल समय है। व्यवसायिक गतिविधियां यथावत ही रहेंगी। आज आपकी ईमानदारी से बॉस प्रभावित होंगे, साथ ही कुछ और जिम्मेदारियां सौंपेंगे। कला के क्षेत्र में रोजाना वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं, आज का दिन धन संबंधी निवेश करने के लिए बहुत ही उत्तम है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने भी आपका फायदा है। घर में सुख शांति भरा वातावरण रहेगा। अचानक किसी पुराने मित्र से मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। पार्टनर और वैवाहिक जीवन में आपकी क्या अपेक्षाएं वह स्पष्ट होने लगेंगी। गर्मी की वजह से घबराहट और बेचैनी महसूस होगी। काम से संबंधित बातों का महत्वपूर्ण व्यवहार आज किया जाएगा, इस कारण आपको बड़ा फायदा प्राप्त होगा। व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी नए प्रोजेक्ट से संबंधित ठोस तथा महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में जल्दी कोई अच्छी डील हो सकती है। नौकरी में लक्ष्य अथवा टारगेट को पूरा करने का आपको दबाव बना रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा और पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक गुणते को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव व कानासुनी हो सकती है। और आप ध्यान दें तो जरा सी समझदारी से वातावरण पुनः ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, घर परिवार व व्यापार संबंधी सभी कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसी भावनात्मक संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन में डिनर के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकी आएगी। बस आप आज उनसे जो भी कहें शांति व प्यार से कहें। साथ ही आपको बता दें, किसी प्रिय से आज मुलाकात पुरानी यादों को फिर से ताजा करेगी। दोस्तों, आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। इस दिन का आप लाभ उठाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपके भ्रम भय पर पीड़ा की परिस्थिति उत्पन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं। खान पान पर आज आपको विशेष ध्यान देना होगा, वरना पाचन क्रिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह से मानसिक रूप से कमजोर ना होने दें। तनाव को दूर करने के लिए अपने जीवन में योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।